हेलो दोस्तों, मैं ओलपेश रामानी एंड आपके लिए लाया हूँ आज एडसेंस का जो नया नोटिफिकेशन आया रहे उसके लिए, जो हम क्या करना है, किस तरह सेटिंग करना है। और काफ़ी लोगों का हमने क्वेश्चन भी पूछा है कि हम ये सेटिंग किस तरह करें, अगर हमारा सेटिंग गलत होगा तो हम इसका हमारे एडसेंस ब्लॉक हो जाएगा, या फिर हमारी अर्निंग नहीं आएगी, या हमारे एड्स में कुछ डिफेक्टिव आएगा। काफ़ी लोगों ने हमने क्वेश्चन पूछा है, हम उसका सबको आंसर देने वाले हैं आज। हमारा वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा, और पहले हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं की है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन भी दबा दीजिए, क्योंकि हमारे अच्छे हेल्पफुल वीडियो आप तक पहुंचा सके। और हमारा काफ़ी कुछ वीडियो ऐसा भी है जो हम आपके लिए एंटरटेनमेंट के लिए भी यूज़ कर रहे हैं, हमारा सॉन्ग्स का है, फिर ट्यूटोरियल का भी है, और अकाउंट किस तरह जीरोधा में ओपन करना है, ये भी काफ़ी कुछ वीडियो हमने यहाँ पे डिटेल में दिया हुआ है, आप डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं। सबसे पहले हम जाते हैं एडसेंस में लॉगिन करते हैं, किस तरह है हमें लॉगिन करना है। तो फर्स्ट ऑफ एडसेंस हमने ओपन कर लिया है। ओपन करने के बाद हमारा जो मेरा ईमेल आईडी है और पासवर्ड है, यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ। ये भी लॉगिन हो रहा है, ये लॉग इन हो गया। अब मैं मेरी पैनल में आ गया हूँ एडसेंस की, और यहाँ पे मेरे तीन नोटिफिकेशन आए हैं। पहला नोटिफिकेशन है एक कुछ सेलर इन्फॉर्मेशन के लिए कुछ है, यहाँ पे मेरी ये मेरी साइट है अरमानी डॉट इन करके। और हमारा ये नोटिफिकेशन है एनकरेज द पब्लिक सेलर इन्फॉर्मेशन नंबर गूगल एड सेलर अकाउंट पेज रिव्यू। ए नोटिफिकेशन है काफ़ी कुछ, सब मोस्ट ऑफ सब लोगों ने दिया हुआ है। और इस नोटिफिकेशन का मेन पर्पस यही है कि हम अंदर जाके देखते हैं कुछ काफ़ी कुछ। फर्स्ट ऑफ प्रोवाइड द सेलर इन्फॉर्मेशन डॉट जेसन, तो पहले हम देखते हैं सेलर डॉट जेसन के अंदर क्या फाइल है और किस तरह सेटिंग करना है और किन लोगों ने बनाया हुआ है। बहुत बहुत सारे सेटिंग करना है हमको। तो पहले हम देखते हैं कि सेलर रिसर्च भाई वो IAB टेक लैब स्टैंडर्ड के लिए बनाई हुई है। तो मैं यहाँ पे हाईलाइट कर देता हूँ, ये हमारा क्या इकोसिस्टम के रिलेटेड है। इकोसिस्टम, इकोसिस्टम मींस मतलब जो एड देने वाला है और जो एड प्रेजेंट करने वाला है अपने वेबसाइट के अंदर। अब अभी क्या हो रहा था कि कुछ एड्स आ रही थे पर सेलर को पता ही नहीं था मेरी एड कहाँ पे जा रही है, कौन किस पेज में आएगी, वो काफ़ी कुछ इश्यूज था, मतलब ऐसे चल रहा था। तो उसके लिए पूरी ट्रांसफरेंट कर दिया है गूगल ने कि फॉर एग्जांपल हम कोई सेलर है, किसी वेब एड दी है उन्होंने कुछ पेज ऐड डालकर, और वही पैसा उन्होंने किसी और को दिया है, कोई और इसको अपने वेब पेज में दिखा रहा है। तो वो वेब पेज में कौन सी एड जा रही है, किन लोगों ने बताई, वो सब अब जो सेलर दे रहा है उसको अब दिखाएगा। उसके लिए एक जैसे ID, सेलर ID, कॉन्फिडेंशली टाइप, नेम और सब देने वाला है। तो उस नेम होता है वो क्या है, सेलर का नेम जो वो स्पेसिफिक सेलर को ही जाने वाला है। उसके यहाँ लिए यहाँ पे सब काफ़ी कुछ स्पेसिफिकेशन दिया हुआ है कि सेलर और जेसन के अंदर किस किस फील्ड आने आएगी। ये फील्ड मतलब हम जो टेक्निकल लोग हैं उसके लिए टेक्निकल लोग हैं उसके लिए काफ़ी कुछ है, बट नॉन टेक्निकल है उसके लिए कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सब प्रोग्रामेटिकली फील्ड होती है जो नॉर्मल नॉर्मल यूजर को कुछ बेनिफिट नहीं है। उसके लिए वर्जन आएगा, नेम आएगा, वैल्यूज होगा, कुछ एट्रीब्यूट होगा, सेलर के लिए कॉन्फिडेंट ट्रू करना है या फॉल्स करना है, डोमेन्स आएगा, एक्स्ट्रा कुछ होगा, मतलब ये पूरे का पूरा सेशन यहाँ पे जो सैंपल दिया हुआ है वो पूरे का पूरा सेशन जो प्रोग्रामेटिकली जो API कॉल करते हैं उसके लिए है, बाकी उसके कुछ दूसरे के लिए नहीं है। सो हम पहले देखते हैं कि उसके लिए कुछ क्वेश्चन क्या है। तो उसके लिए मैं PDF भी नीचे आपके लिए कमेंट में रख दूँगा, वो भी आप एक बार चेक कर लीजिए क्या क्या गूगल ने सिनेरियो रखा हुआ है, कुछ कोई अफेक्टेड है या फिर क्या क्या नई पॉलिसी आई है, अगर ये हम सेटिंग करते हैं तो किस तरह इश्यूज होगा या फिर नहीं होगा, हमको क्या क्या ध्यान में रखना है, वो सब यहाँ पे हमको दिखाने वाला है। तो फर्स्ट ऑफ ये सिमिलर स्टैक है, सप्लाइन सप्लाइन से सप्लाइन चेन,
सप्लाई चेन मीन्स मैंने अभी आपको बोला है कि कुछ सेलर है कुछ बायर को दे रहा है कि मेरी एड बाई करो और अपने वेबसाइट के अंदर प्रेजेंट करो, तो वो सब एड है, वो सेलर का मतलब जो प्रेजेंट वो दे रहा है एड, उसके लिए काफ़ी खुश है कि ये पाए अच्छा है या फिर मेरी एड किसको जा रही है और यहाँ पे क्लिक करता है तो मुझे कितना अर्निंग आया हुआ है, वो वैलिड है या नहीं है, वो पूरे का पूरा अल्गोरिदम के साथ यहाँ पे गूगल ने बनाया हुआ है। बहुत अच्छा कंसेप्ट है गूगल ने। अगर आप ये सब फाइल में नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप डिटेल में चेक करना चाहते हो चेक कर लीजिए। और एड्स एक्सचेंज भी एक जो यूज़ कर रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत बेनिफिट है। एड पुशअप यूज़ कर रहे हैं जो गूगल का एड है, तो बेनिफिट गूगल एडसेंस का ये अर्निंग ज़्यादा होने वाला कुछ प्लेटफॉर्म भी है, वो प्लेटफॉर्म के अंदर आपके कुछ व्यूज़ ज़्यादा होगा तो वो ये यूज़ करना होगा, अदरवाइज आपको ये यूज़ नहीं कर सकते। तो इसमें भी नॉर्मल ही है, कुछ है नहीं खास। आपका जो सेलर आईडी है जो आपका पैनल के अंदर पॉप करके कुछ आएगा आपको गूगल एडसेंस के अंदर सेटिंग में आपको दिखेगा, और सेलर टाइप पब्लिशर रखना है, डोमेन आपका जो भी है वो, और पास थ्रू 1 रखना है, कमेंट में आप जो भी चाहे वो लिख सकते हैं, बाकी उसमें कुछ बड़ा है नहीं। फाइल में आपको देने ही वाला हूँ, डिस्क्रिप्शन के अंदर 26 पेज है तो कुछ काफ़ी नहीं है। दूसरा मैंने आया एडसेंस का यूट्यूब मैट्रिक्स, मतलब ये क्या है कि यूट्यूब वाला बोल रहे हैं कि हम यूट्यूब का जो हिस्ट्री है वो हम लॉन्ग टर्म नहीं रखना चाहते, डेटा ओल्ड डेटा आपको बैकअप लेना ले लीजिए, लिमिटेड टाइम के लिए हम रखने वाले हैं, बाद में ये आपका ओल्ड डेटा दिखेगा नहीं। तो ये फर्स्ट ऑफ हम इसमें एड एक्शन पे क्लिक जाएंगे, और ये अभी आपको पब्लिशर आईडी दिखेगा, टाइम जोन, कस्टमर आईडी दिखेगा। अब आया है जो एरर है, अभी सेलर इन्फोसिएशन कह रहा है उसमें करना क्या है, तो फर्स्ट ऑफ आपको कॉन्फिडेंस लिख के आएगा, उसको हम चेंज करके ट्रांसफर करना है, बाकी कुछ नहीं करना नहीं है। वो नीचे है जो अपना डोमेन नेम है, ये मेरा डोमेन नेम है अरमानी.इन, एक बार आप चेक क्रॉस चेक कर लीजिए अपना डोमेन क्या है, और जो वेबसाइट ओपन है वहीं से आप कॉपी करके वहीं पे पेस्ट करना, और यहाँ मैं कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दिया है, और बाजू में कभी भी क्लिक कर दीजिए तो यहाँ पे योर चेंजेस सेव्ड ऐसा लिख के आएगा। बस जो यही है, दो स्टेप आपको करना है, पर जो मैं पहले बताया वो सब डिटेल्स था कि जेसन डो सेलर के किस पर्पस के लिए यूज़ किया हुआ है, बाकी कुछ मेरा नोटिफिकेशन है नहीं, कुछ इश्यू है नहीं, अदरवाइज ये सब डिटेल बताया मैंने आपको। दो स्टेप करना है, ट्रांसफर करना है और आपका डोमेन डालना है। और हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं की है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि ऐसे ऐसे वीडियो मैं आपको तक पहुंचा सकूं।